दोस्तों मैंने ट्रैक करके लगभग एक घंटे का टाइम लगाकर यहाँ तक पहुँचा हूँ, लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद मुझे बहुत ही मज़ा आया और मैंने बहुत एंजॉय किया है इस जर्नी को इस वाटरफॉल तक आने में। और इसकी ब्यूटी देख के मैं मंत्रमुग्ध हो गया हूँ और मुझे उम्मीद है अगर आप लोग भी यहाँ पर आते हैं तो आप लोग डेफिनेटली एंजॉय करेंगे। दोस्तों रास्ते में ये देखिए वाटरफॉल, सारे लोग कितने मज़े। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं प्रशांत आज आपको एक शांकर का मेन पॉइंट है, एक झरना है, वाटरफॉल है नेचुरल, जो ग्लेशियर से पूरे सालों भर चलते रहता है, वहाँ पर लेके जाने वाला हूँ। और मैं यहाँ पे इस होम स्टे में अभी मैंने स्टे किया हुआ है फ़िलहाल 2-3 दिनों के लिए। और जो मैं जो वहाँ पे जाने वाला हूँ तो मेरे साथ एक दो लोग और भी होंगे मेरे साथ में, और जो यहाँ के होम स्टे के मालिक हैं उनके लड़के हमें घुमाने लेकर जाएंगे अभी वहाँ पर, तो मैं आपको मिलाता भी हूँ उनसे। आप आ जाओ बेटा, एक मिनट। क्या नाम है आपका? राहुल। राहुल, इनका नाम राहुल है और ये हमें घुमाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपको, ठीक है। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं, मैं आपको रास्ते में ही बताऊंगा कि क्या क्या वहाँ पे रास्ते में है। दोस्तों यहाँ से जो वो झरने का पॉइंट है, वाटरफॉल का पॉइंट, वो लगभग 4 किलोमीटर है और वहाँ पे एक गाड़ी भी जाती है। वैसे एक छोटी सी ट्रैक को थोड़ी लंबी सी ट्रैक बना देता हूँ मैं ताकि थोड़ी यादगार रह जाए हमेशा के लिए, तो इसलिए जो है मैंने सोचा कि हम लोग पैदल ही वहाँ तक जाते हैं। दोस्तों रास्ते में एक शांघर मीडो भी पड़ता है, ये जो आप देख पा रहे हैं खूबसूरत सा मैदान है ये। तो ये पहाड़ी पे चढ़ने के बाद जो शांग है कुल्लू का, ये उसका एक छोटा सा नज़ारा है, ये बहुत ही सुंदर दृश्य है यहाँ का। तो ये वाटरफॉल जाने के रास्ते में ये आप पानी का जो है रिफ्रेशिंग साउंड भी सुन रहे होंगे अभी। ये देखिए रास्ते में भी कितने अच्छे अच्छे दृश्य हैं। अब हम लोग लगभग आधी दूरी आ चुके हैं, अमूमन 2 किलोमीटर अपने होम स्टे से, लेकिन रास्ते का दृश्य देख के मन एकदम तरोताजगी से भर जाता है। ये देखिए दोस्तों पहाड़ों में छोटे छोटे बच्चे भी घूम रहे होते हैं बिल्कुल फ्रीली, और बिल्कुल क्राइम फ्री जोन है ये और कोई डर भय नहीं होता यहाँ पर। और जो आज के भीड़ भाड़ के शहर वाले इलाकों में बच्चे ऐसे नहीं घूम सकते हैं। और ये देखिए ये भी हमारे साथ साथ जो हैं, ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं 5th और 6th क्लास में पढ़ाई करते हैं, ये भी मेरे साथ साथ वाटरफॉल्स की ओर चल रहे हैं। तो रास्ते में ये नए नए कंस्ट्रक्शन भी हो रहे हैं मकानों के, वो भी मिल रहे हैं। और ये देखिए कितने सुंदर जिनिया फ्लावर्स हैं यहाँ पर, छोटा सा गार्डन है लेकिन बहुत ही प्यारा सा लग रहा है। ये रास्ते में अनेक जगह वाटर के रिफ्रेशिंग साउंड हैं। ये सारे रास्ते दोस्तों ऐसे नेचुरल सीन से भरे पड़े हुए हैं, वाओ दैट्स रियली नाइस। सारे लोग कितने मजे से झरने की ओर बढ़ रहे हैं और रास्ते तो ऊपर नीचे हैं, सांस भी थोड़ी चढ़ रही है, थकान भी हो रही है, लेकिन इन ताजगी भरे वातावरण की बात ही कुछ और है। ये देखिए सेब के बगीचे भी है यहाँ पर, ये इस पेड़ में अभी तो, ये आज 1 नवंबर है तो अभी इसमें तो कोई फल नहीं लगा हुआ है। दोस्तों रास्ते में देखिए ये बहुत सारे हमें बुल्स भी दिखाई दे रहे हैं, एक बार की तो इनको मैं देख के डर ही गया था सामने से। फुल ऑफ नेचुरल ब्यूटी, वॉट अ प्लेस दिस इज, वेरी वेरी ब्यूटीफुल। अगर आप यहाँ आते हैं दोस्तों घूमने आप कभी पछताएंगे नहीं। और ये देखिए मेरे प्यारे नन्हे मित्रों को, ये भी थोड़े थक गए हैं और थोड़े से अपनी थकान मिटा रहे हैं बैठकर। जितना मैंने सोचा था दोस्तों कि ये जगह जितनी प्यारी होगी या उसे कहीं अधिक प्यारी है, और ये मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता इन सब चीज़ों को। ये जब आप यहाँ पे आएंगे दोस्त तभी आप लोग जो हैं इसकी खूबसूरती को देख पाएंगे और महसूस कर पाएंगे। इतना प्यारा सा जगह होगा ये, रास्ते इतने अच्छे लगेंगे मुझे, इतना रिफ्रेशिंग होगा मेरे लिए,
ये तो मैंने भी सोचा नहीं था ये। लेकिन साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप इन रास्तों पे आते हैं तो ध्यान रखें कि आप शाम होने से पहले ही आप वापस अपने होम स्टे लौट जाएं, क्योंकि इन सब घने जंगलों में, इन सब पहाड़ी जंगलों में जो है काफ़ी ख़तरनाक जानवर भी होते हैं। शेर, भालू, चीते, इन सब, और लेपर्ड, तेंदुए वगैरह काफ़ी भरे पड़े हैं इन जंगलों में, तो उसका भी खास करके ध्यान रखें आप। जगह है यहाँ पे, लास्ट आप कोई भी गाड़ी लेकर आ सकते हैं, और ये जो है यहाँ से ट्रैक करना पड़ेगा। लगभग वो ट्रैक होगा 10 से 15 मिनट का, तो ज़्यादा मुश्किल ट्रैक तो नहीं है, लेकिन थोड़ी सी थकान हो सकती है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ के बच्चे रास्ते में अड़खेलिया करते हुए, आपस में खेलते हुए भी। और दोस्तों, ये जो अब चढ़ाई दिख रही है खड़ी, ये हमें थोड़ा सा ट्रैक करना है। इन रास्तों पे टूटे फूटे सीढ़ियाँ भी बनी हुई हैं, जिससे हो कि हमें ऊपर तक जाना है। दोस्तों, ये चढ़ाई तो बहुत ही स्टीफ है, आपको मेरी आवाज़ से ही पता चल रहा होगा कि मैं बहुत, जो मेरी सांसें हैं तेज़ चल रही है। लेकिन इन बच्चों को देखिए, ये तो थके नहीं यहाँ के। दोस्तों, ये देखिए कितना ख़तरनाक सा जगह है ये, यहाँ तो रास्ते भी नहीं हैं, पेड़ों की टहनियाँ टूटी हुई हैं, उसके ऊपर चल के, ये देखिए बड़े संभल संभल के चल रहे हैं। ये शायद हाँ यहाँ से जाना है। दोस्तों, ये देखिए कैसे संभल संभल कर चलने पड़ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हम लोग प्रकृति की किस जगह पे आए हुए हैं। ये देखिए दोस्तों, कितना खतरनाक और बेहद रास्ता है ये। ये देखिए दोस्तों, आखिरकार हम उस जगह पे पहुंच ही गए। वाओ, वेरी ब्यूटीफुल। मैं थोड़ा और नज़दीक चलूँगा दोस्तों। ये झरने का पानी जो ऊपर से आ रहा है, ये देखिए दोस्तों, मैं पत्थरों पर चल के ऊपर जा रहा हूँ, तो आप समझ सकते हैं मैं बिल्कुल प्रकृति की गोद में बैठा हुआ हूँ अभी। डिवाइन ब्यूटी मुझे नहीं लगता किसी ने इतने पास से महसूस की होगी। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस। बिल्कुल नेचुरल स्प्रिंग वाटर और उसका साउंड, इसमें हमारी आवाज़ कहीं गूंज सी जाती है और पता भी नहीं चलता हमें। ये देखिए पास से कितना खूबसूरत लग रहा है ये। लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद मुझे बहुत ही मज़ा आया, और मुझे कोई पछतावा नहीं है, और मैंने बहुत एंजॉय किया है इस जर्नी को, इस वाटरफॉल तक आने में, और इसकी ब्यूटी देख के मैं मंत्रमुग्ध हो गया हूँ। मुझे उम्मीद है आप भी यहाँ पर ज़रूर आएंगे और आप बिल्कुल बहुत ही एंजॉय करेंगे इस जगह को, और आप जाके और भी दूसरे लोगों को बताएंगे। और दोस्तों, इस ऑब्जेक्ट डेस्टिनेशन पे आने का मज़ा जो है वो बिल्कुल ही अलग है, जो हम भीड़ भाड़ वाले एरिया, जो फेमस टूरिस्ट स्पॉट हैं हिमाचल की, अगर हम वहाँ से अगर इस जगह पर आते हैं तो आपको एक बिल्कुल अलग ही अनुभव होगा। दोस्तों, वाटरफॉल से मैं आ चुका हूँ वापस अपने होम स्टे शांगरशाई, और यहाँ पर भी मैं डिनर ले रहा हूँ, और बहुत ही अच्छा खाना है यहाँ। दोस्तों, मैंने अभी अभी डिनर लिया है, और थोड़ी सी ठंड भी बढ़ गई है। सर्दियों में अगर बोनफायर का मज़ा मिल जाए तो फिर कहना ही क्या है। दोस्तों, थोड़ा आपने ट्रैक भी किया है, काफ़ी लंबा सा ट्रैक था वो, तो ट्रैकिंग के बाद थोड़ा थक भी गया हूँ, तो अब मैं थोड़ी देर में सोने चलूँगा और मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।